यूपी के फतेहपुर जिले में भीषण सड़क हादसा होने की जानकारी मिली है। घटना सदर कोतवाली के बिसोली गांव की है, जहां सगाई के बाद साथियों संग निकले कार सवार तीन दोस्तों की रविवार रात करीब 2 बजे सड़क हादसे में मौत हो गई। कार सवार 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। आपको बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर निवासी मयंक सचान की रविवार शाम रिंग सेरेमनी थी। कार्यक्रम के बाद रानी कॉलोनी निवासी मित्र गोरांग शिवम गुप्ता, मयंक व 2 अन्य मित्रों के साथ कार से घूमने निकले थे। सदर कोतवाली भिटोरा रोड मवैया गांव के पास अनियंत्रित कार पेड़ों से टकरा गई। सड़क किनारे लगे बिजली पोल को तोड़कर कार सीधे खंती में चली गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार से गोरांग, मयंक और शिवम को मृत हालत में बाहर निकाला। कोतवाल राजेंद्र सिंह ने बताया कि सभी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है।